मंच से नारी के सम्मान की बात होगी। मंच से कहा जाएगा कि नारी ही सब कुछ है। नारी को लेकर मंच से बड़ी बड़ी बातें कही जाएगी, उनके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं, कानून की बात जो है दोस्तों शेखी बगाड़ी जाएगी। मगर उसी मंच के सामने नारी झोली फैलाकर खड़ी रहेगी, उसको सुनने वाला कोई नहीं है। दोस्तों जिस मामले की मैं बात कर रही हूँ वो मामला है उत्तर प्रदेश का मामला, जहाँ एक केस को लेकर माँ बेटी ने योगी जी से मिलने की कोशिश की, उनके सामने रोती रही, मगर उस माँ बेटी की बात तो सुनने दूर है, उनको पुलिस ने पकड़कर मंच से उतार दिया और उनको बाहर ले गई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हंगामा हो गया। क्यों हुआ, किसने किया, वजह क्या थी, कौन कौन मौजूद था, सब कुछ इस खबर में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। मंच पर योगी आदित्यनाथ जी मौजूद थे, बाकी के नेतागण भी मौजूद थे, मगर किसी की भी नजर झोली फैलाती हुई रोती बिलखती माँ बेटी पर नहीं पड़ी, जिनकी तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दोस्तों मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ना, देख लीजिए, गौर से देख लीजिए, ये किस तरह से रो रही है महिलाएं और मंच पर बैठे नेताओं का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी कि कोई तो ध्यान दे, तो हमारी बात सुनी जाए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बीजेपी का नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम में नारी शक्ति वंदन कानून और महिलाओं का गुणगान किया जा रहा था दोस्तों। उसी वक्त दूसरी तरफ ये जो दोनों महिलाएं हैं ये हाथ जोड़कर चीख चीख कर बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रही थी, कह रही थी न्याय दो, मेरी बहन को न्याय दो, बेटी को न्याय दो। सबसे बड़ी बात यह कि इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना हंगामा, फिर भी मंच पर मौजूद योगी आदित्यनाथ जी की नजर महिलाओं पर नहीं गई। इससे जुड़ी जानकारी आपको मैं आगे दूंगी कि पूरा मामला क्या है, किससे जुड़ा है, मगर उससे पहले आपको दिखाते हैं कि इस घटना से जुड़ा कौन सा वीडियो सामने आया है जो कि वायरल हो गया और खलबली मचा दी इस वीडियो ने। दोस्तों वीडियो देखिए। तो जैसा वीडियो में देखा जा सकता है महिलाएं चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। सीएम योगी जब अपनी और केंद्र सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और खासकर महिलाओं के सम्मान, साथ ही महिला सशक्तिकरण का दोस्तों शेखी बगाड़ रहे थे, उस पर अचानक ही सभा में हंगामा होने लगा। भीड़ में मौजूद ये जो दो महिलाएं थी अचानक जोर जोर से बोलने लगी और रेलिंग से बाहर आकर मंच की ओर बढ़ने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन इनको वहां खड़े लोगों ने रोक दिया, वहां खड़ी पुलिसकर्मियों ने रोक दिया। मामले की बात की जाए तो पिछले दिनों सिकंदरा राव एक जगह है, एक महिला दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी गई। ये दोनों महिलाएं उसी मृतका प्रीति की माँ और बहन थी, जिसके लिए न्याय मांगने को वो यहाँ पर आई थी। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर को उनकी बेटी की हत्या हुई थी। दोनों माँ बेटी ने बताया कि उनकी ससुराल वालों ने उनकी बेटी को जलाकर मार डाला है। हत्या के बाद से ही सास ससुर और पूरा परिवार भाग गया है। उन्होंने कहा कि उनकी गुहार कोई नहीं सुन रहा है और अब जब योगी जी को अपनी गुहार सुनाने के लिए आए तो योगी जी ने भी कोई गुहार उनकी नहीं सुनी। इतना वीडियो वायरल हो गया दोस्तों, इतना ज्यादा वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन अभी तक ये खबर मेरे संज्ञान में तो नहीं है। अगर आपके संज्ञान में हो तो प्लीज आप मुझे उस YouTube चैनल का लिंक या उस YouTube पे डली खबर का लिंक जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जहां पर यह बताया गया हो कि योगी जी ने उन दो महिलाओं की गुहार पर कोई एक्शन लिया है। मुझे जानना है, बहुत उत्सुकता है मेरे अंदर, क्योंकि नारी वंदन कार्यक्रम चल रहा था। नारी वंदन कार्यक्रम का मतलब यही है ना कि आप नारियों से जुड़े, महिलाओं से जुड़ी जो आपकी योजनाएं हैं, आपने जो कानून बनाए हैं, आपने जो आपके मुताबिक जो आपने उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए विकास किया है, आपके मुताबिक जो सुरक्षा लेकर आए हैं आप, अगर वो वाकई में सच है तो फिर ये क्या है। और मान लीजिए कि अगर दहेज को लेकर उनके घर में कोई प्रॉब्लम हुई भी और उस लड़की की हत्या कर दी गई, तो क्या उसके बाद परिवार को न्याय मिलना या न्याय दिलवाना ये योगी सरकार का काम नहीं है, ये योगी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? ये बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि ये हाथरस वही हाथरस है जहां ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले एक बहुत बड़ा मामला सामने आया था और मुझे पूरी उम्मीद है आपको वो मामला याद होगा, 2020 का वो मामला था दोस्तों, एक लड़की के साथ गैंगरेप किया गया था और वो जो गैंगरेप किया गया उसके बाद लड़की को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लड़की की मौत सफदरजंग अस्पताल में हो जाती है और यूपी पुलिस बिना परिवार के कंसेंट के
उसका अंतिम संस्कार कर देती है। मामला कोर्ट में चलता है, चार आरोपी पाए जाते हैं जिनमें से एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा होती है जबकि उस पर से रेप के चार्जेस हटा दिए जाते हैं, बाकी के जो तीन आरोपी हैं वो छूट जाते हैं, बरी हो जाते हैं। क्या उनको न्याय मिला अभी तक? और ऐसा नहीं है कि योगी जी की सरकार तब नहीं थी, योगी जी की ही सरकार चली आ रही है। क्या न्याय मिला और क्या इनको न्याय मिलेगा जो अभी इस वक्त गुहार लगा रहे हैं? तमाम सवाल हैं दोस्तों जहन में जो पूछे जाने जरूरी हैं। कौन पूछता है, किसको जवाब मिलता है, बहुत दूर की बात है ये। हम इंतजार कर रहे हैं कि इस सवाल के जवाब का सवाल का जो जवाब है वो कब तक सामने आएगा। दोस्तों फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।